नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हमारे साथ में हैं आचार्य राजेंद्र जिज्ञासु जी, जिनकी आज यहाँ न्यू मुल्तान नगर आर्य समाज में 5 पुस्तकों का विमोचन हुआ है, जिसमें से कि एक पुस्तक जिसके ऊपर आप सभी ने कहा भी था कि जो मैक्स मूलर का एक्सरे है, इसके ऊपर हम आचार्य जी से एक बार बात अवश्य करें। सबसे पहले आचार्य जी, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि मैक्स मूलर कौन था और उसने क्या किया ऐसा, इसके ऊपर आज आपने जो स्पीच भी दिया उसमें भी आप काफी उनसे नाराज दिखे। ऐसा है कि मैक्स मूलर जर्मनी में पैदा हुआ था जी। वो गरीब था, उसको नौकरी चाहिए थी जी। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था जी, अंग्रेजों का राज्य था, वो ईसाई थे। और मैक्स मूलर जो था वो जर्मनी से आया था, ईसाई वो भी था जी, परंतु वो गरीब था, उसको नौकरी चाहिए थी, अंग्रेजों ने उसको अच्छी नौकरी दे दी। अच्छा। और उसका अंग्रेजी पर अधिकार था जी। तो उसने सूर्य और साम्राज्य की रक्षा करने के लिए यानी क्रास और इंपीरियलिज्म का वो, या इंपीरियल गवर्नमेंट का जो यहाँ जिन्होंने भारत पर कब्जा किया था जी, जिनका राज था, उनका वो नौकर था, उनका वो सर्वेंट था जी। उसके जीवन का उद्देश्य था कि मैं ऐसा काम करूं कि साम्राज्य की, इंपीरियलिज्म की जड़ें जो हैं पक्की हों और देर तक यहाँ अंग्रेजी राज बना रहे जी। और अंग्रेजी राज को बना रखने के लिए सबसे बढ़िया उनके पास उपाय था कि यहाँ के लोग जो हैं वो ईसाई बन जाएंगे जी, तो अंग्रेजों के साथ रहेंगे, उनका साथ दिया जाएगा। उसके लिए उसने जो था भारतीय जो धर्म ग्रंथ है, विशेष रूप से वेद, उन पर उस पर लिखना शुरू किया, ऐसा शो किया। वो किसी संस्कृत के विद्वान से उसने सारे जीवन में नहीं लिखा, किससे उसने संस्कृत पढ़ी, उसने संस्कृत पढ़ी किसी से नहीं, थोड़ा बहुत उसने पश्चिम में संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। ना वो संस्कृत बोल सकता था, ना वो संस्कृत लिख सकता था। यह मैंने इस पुस्तक मैक्स मूलर का एक्सरे में उसी के प्रमाणों से सिद्ध कर दिया। मैक्स मूलर ने स्वयं स्वीकार किया। जब नीलकंठ शास्त्री, एक महाराष्ट्र का ब्राह्मण जो ईसाई बन गया था, मैक्स मूलर का बड़ा डिवोटी था, और उसको इंग्लैंड में बुलाया गया, महारानी ने उसको मिलने का समय दिया, महारानी ने, क्वीन विक्टोरिया ने उसको मिलने का क्यों समय दिया कि भारत का एक व्यक्ति संस्कृत का विद्वान जो पादरी बन गया, उसको समय क्यों दिया? क्योंकि उसने महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह, पंजाब का लास्ट जो सिख रूलर था, उसको क्रिश्चियन बनाया था और उसको फिर वो इंग्लैंड ले गए थे, इस कारण महारानी ने बुलाया। और वो भारत में रहते हुए ही मैक्स मूलर का बड़ा डिवोटी मान गया, बड़ा प्रशंसक था उसका। तो उसने मैक्स मूलर से मिलने का समय मांगा, मैक्स मूलर ने उसको मिलने का समय दिया। जब मैक्स मूलर से मिलने जाते उसके कमरे में एंटर हुआ तो उसने तो उसके दिमाग में तो ये बिठाया गया था कि मैक्स मूलर जो है उस जैसा संस्कृत का विद्वान दुनिया भर में कोई नहीं, वो बड़ा संस्कृत का राइटर है। तो उसने संस्कृत में वार्तालाप करना शुरू किया, मैक्स मूलर से बात करनी चाहिए। तो मैक्स मूलर ने स्वयं देखा, उसको पूछा कि तू कौन सी भाषा बोल रहा है? तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये तो कहते हैं संस्कृत का इतना बड़ा है, तो मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, भारत से आया हूँ, तो ये समझ जाएंगे? तो उसने कहा तुझे नहीं पता मैं संस्कृत बोल रहा हूँ। तो उसने वो ना वो संस्कृत बोल सकता था, ना वो संस्कृत लिख सकता था। असली बात क्या थी, उसने जीवन भर में नहीं बताया कि संस्कृत उसको आती है तो कहाँ से उसने सीखी। उसने संस्कृत कई नौकर रखे हुए थे, वो उसको वेद शास्त्र के अर्थ उल्टे सूटे जो थे उन्होंने रख रखे थे, वो उनको बताते थे, और वो फिर उसको और डिस्टार्ब करके, जिससे हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, वेद की बदनामी हो, हिंदुओं को वेद से घृणा हो जाए और वो ईसाई हो जाए। उसने अपनी पत्नी को पत्र में लिखा था कि मैंने जो वेदों का भाष्य किया है उससे एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट होगा कि हिंदुओं को वेदों से, अपने वेदों से नफरत हो जाएगी। जब उनको वेदों से नफरत हो जाएगी तो वो वैदिक धर्म से तो कट जाएंगे, फिर जो वैक्यूम पैदा होगा उसको कैसे पूरा किया जाएगा?
वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी डजंट एंटर, अगर क्रिश्चियनिटी आगे आकर पादरी नहीं आते और उनको ईसाई नहीं बनाते तो हूज फॉल्ट विल इट बी, एक फिर किसका दोष होगा। मैंने तो मैदान तैयार कर दिया, इनको ये काम करना चाहिए। ये है मैक्स मूलर का स्वरूप, ये है मैक्स मूलर जानता। अच्छा दूसरा, उसने जीवन भर जो है एक बार कही, दूसरी बार कही। मैंने मैक्स मूलर का एक्सरे में एक जो है यूरोप के ईसाई का ही प्रमाण दिया। उन्होंने कहा मैक्स मूलर के दो मुंह हैं, एक मुंह से वो बड़ी मीठी बात करता है पर ये मत समझो उस मुंह से जो वो बात करता है वो सत्य है, उसका एक दूसरा मुंह दिया उससे भी सुन लो क्या बात करता है। जैसे उसने अपने कई ग्रंथों में वेद की उपनिषदों की बड़ी प्रशंसा की है और दूसरी जगह उसने लिखा है कि मेरे पर ये दोष लगाया जाता है कि मैं उपनिषदों की हिंदू धर्म ग्रंथों की स्वीकृत्य की बड़ी प्रशंसा करता हूँ। तो उसने उनको एक गप्पे कहा है, बकवास भी कहा है और फिर वो कहता है कि देखो मैं उपनिषदों को क्यों पढ़ता हूँ, कहता है उपनिषदों को इसमें रेफरेंस दिया अपने शब्द, वो कहता है मैं उपनिषदों को ऐसे पढ़ता हूँ जैसे एक मैडमैन है, अनुवादी है, पागल है और वो कुछ का कुछ बकता रहता है, उसकी बात करना सिर होता ना पैर होता है तो उसको कौन ध्यान से सुनेगा। पर वो कहता है डॉक्टर को वो सुननी पड़ती है, डॉक्टर उसकी बातों को सुनता है, किसलिए सुनता है कि इसके पागलपन का इलाज कैसे किया जाए। तो कहता है जैसे एक पागल की बातों को एक उसका फिजिशियन डॉक्टर सुनता है, मैं मनुष्यों को ऐसे पढ़ता हूँ। उसने ओम शब्द का भी मजाक उड़ाया है मैक्स मूलर ने, तो मैक्स मूलर की इनर इंटेंशन ये थी। तो जो है वास्तविकता ये है कि उसने संस्कृत के जानने वाले कुछ भारतीय नौकर अपने रखे थे, उनको पैसे देता था और उसको मोटा वेतन अंग्रेज देते थे, सरकार देती थी और वो उसको बताते थे ये इसका जैसा उनको आता था वो उसको आगे डिस्चार्ज करके वो नए नए ग्रंथ रख करके ऐसा साहित्य तैयार करता था कि उसको पढ़ करके कोई हिंदू हिंदू ही ना रहे। पर जी इसमें दूसरी बात यह है कि जब इतना सब कुछ था हाँ जी फिर भी हमारे यहाँ पढ़ाई में साहित्य में इतना ज्यादा क्यों बढ़ा चढ़ा गया। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, जो आपने प्रश्न किया बहुत ही अच्छा है। बात यह है कि जब कोई जाति गुलाम होती है तो दास बनती है, स्लेवरी आती है तो उसके अंदर इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीन भावना जब आती है तो हीन भावना के कारण वो नकल करता है किसकी, वो अपने बड़ों की पूर्वजों की जो पुराने व्यक्ति उनकी नकल नहीं करता। उसके लिए हीरो जो है क्लाइव होता है, उसके लिए हीरो हेस्टिंग होता है, वो महमूद गजनवी को बड़ा, वो शिवाजी महाराणा प्रताप को ऋषियों और मुनियों को अपने महापुरुषों को कोई महत्व नहीं देता। तो इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, जैसे लोग अगर अंग्रेज मूंछ कटवाते हैं तो उन्होंने मूंछ कटवा दी, अगर अंग्रेजों ने नेकटाई लगाई, सर्दी गर्मी का मौसम है पसीना हो रहा है कपड़े उतार उतार कर फेंकते हैं, लेकिन कोर्ट में जाता है वकील तो देखो वो काला कोट भी पहनता है, वो गाउन भी पहनता है, वो नेकटाई भी लगाता है, तो ये इनफेरिटी नहीं तो और क्या है। तो इसी तरह से वो फिर सारी परंपरा भारत में पहले जो था जो खड़ा होके मुंह के करे बाथरूम में उसको लोग बहुत बुरा मानते थे, अब अंग्रेजों ने पेंट दे दी पेशाबी खड़ा होके करना, तो उनकी रूलर्स जो होते हैं उनकी हर बात अच्छी लगती है। भारत में जो हम तो समझिए जो हम कृष्ण महाराज को योगी योगेश्वर वेद का महापंडित विद्वान मानते हैं, परंतु आम हिंदू जो है पौराणिक वो कहते हैं कि वो 16 कला संपूर्ण अवतार थे, जिन कृष्ण महाराज से बड़ा अवतार किसी को नहीं माना जाता, परंतु उसने कृष्ण महाराज की निंदा में एक से एक बढ़कर जो है आपत्तिजनक बात जो दिल दुखाने वाली है अच्छा, कहाँ लिखी जो उसकी लास्ट बुक है, उसके मैंने कई रेफरेंस इस पुस्तक में लिया माई फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ऐसा करके उसका नाम है, मेरे भारतीय मित्र, ये मैक्स मूलर की लास्ट बुक थी अच्छा। उसमें उसने कृष्ण महाराज की घोर निंदा की है और ये उसके थोड़ी देर बाद मर गया,
परंतु देखो कि हिंदुओं ने आज तक उस पुस्तक का उत्तर ना दिया, और मैंने तो वो पुस्तक देखी नहीं थी, आमतौर पर बाजार में मिलती भी नहीं थी। मैंने स्वामी श्रद्धानंद जी के एक लेख में पढ़ा तो उसने कृष्ण महाराज की निंदा में बड़ी आपत्ति जनक पुस्तक लिखी है। अच्छा, फिर मैं उस पुस्तक को ढूंढने लगा, हमारे एक नौजवान है लक्ष्मण जी जिज्ञासु, बहुत बड़ी कंपनी में बड़े पद पर हैं, उनको कहा ये पुस्तक किसी तरह से मुझे खोज करके दो। उन्होंने 3-4 दिन के अंदर मुझे पुस्तक ढूंढी। अच्छा। मैंने पढ़ी तो मैंने देखा भाई ये तो बड़े बहुत आपत्तिजनक शब्द उसने कृष्ण महाराज के बारे में लिखे हैं। तो मैंने उसका उत्तर देते हुए यूरोप से एक गोरे क्रिश्चियन की एक पुस्तक हिंदू धर्म पर लिखी हुई वो निकाल के दी, तो उसने लिखा कि मैक्स मुलर ने क्या लिखा कि कृष्ण कैसा गंदा था, लुच्चों का लुच्चा। देखो ये गोपियां जब नहाती थी और वो नंगी होती थी पानी में, उनके कपड़े उठा के ले जाता था। मैक्स मुलर ने लिखा, मैंने प्रमाण दिया उसके सच दिए। तो अब इससे ज्यादा वो क्या कह सकता। देखिए किसी हिंदू ने 120 साल हो गए इस पुस्तक को छपे, आज तक उत्तर नहीं दिया था। ऐसे उसने शिवलिंग पूजा का मजाक उड़ाया और कई चीजों का कृष्ण महाराज पर आपत्तियां थी। और कमाल की बात यह है कि स्वामी विवेकानंद की उसने बड़ी प्रशंसा की है। अच्छा। मैक्स मुलर ने और स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर की बड़ी प्रशंसा की है, दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा की है। क्योंकि मैक्स मुलर की स्वामी विवेकानंद ने इसलिए प्रशंसा की उसके कहने पर उसने स्वामी विवेकानंद के गुरु की जीत बायोग्राफी लिख दी। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जिसको कहते हैं हिंदुओं का गुरु था, या भारत आपकी मोदी सरकार तो रोज रोज फोटो देती है, लेकिन स्वामी विवेकानंद बोले ही नहीं कृष्ण की उसने मट्टी कूट दी। और मैक्स मुलर के मैंने शब्द दे दिए, वो पुस्तक मेरे पास है, मेरे भारतीय मित्र जो उसमें ये शब्द है, स्वामी विवेकानंद ने भी कोई उत्तर न दिया। तो मैंने उसका उत्तर 120 साल में पहली बार मैंने बार और उसको कहा कि तुम कहते हो कपड़े चुराता था, तो मैंने महाभारत में शिशुपाल ने कृष्ण महाराज को 100 गालियां जब दे दी थी, कहना अगली गाली बोल, फिर उसका सिर उतारा। मैक्स मुलर ने कृष्ण महाराज को बहुत कोई भरा बुरा कहा उसने शिशुपाल ने, पर उसने ये दोष नहीं लगाया इतना लुच्चा कि वो लड़कियां नंगी होती थी और उसके कपड़े उठा के दूंगा, जबकि वो समकालीन थे। जब उसके जमाने का उनका विरोधी, उनका विरोधी जो है वो सबसे पहले चौगले के डूबो सामने रखे, उसने भी ये बात नहीं कही। दूसरी बात मैंने कहा कि महाभारत में श्री कृष्ण पर वे कहीं भी दोष नहीं लगाया गया कि कपड़े उठाता था, ऐसा उसकी बहुत गोपियां थी, उसकी बड़ी रानियां थी, वहां तो उसको योगी कहा गया, वहां तो उसको बड़ा संयमी कहा गया, और उसकी एक पत्नी थी। तो मर्दोज नाम का एक यूरोपियन ईसाई विद्वान पादरी हुआ, उसने एक हिंदू धर्म पर पुस्तक लिखी है, उसने भी कहा कि कृष्ण महाराज पर ये दोष लगाए जाते हैं जो पुराणों में, महाभारत में ऐसी कोई कहानी उसने भी लिखा ऋषि दयानंद वाली बात की पुष्टि करके। ऋषि दयानंद ने जैसा कहा महाभारत में कृष्ण महाराज की बड़ी चर्चा आती है, लेकिन ये कैरेक्टर की जो भी दोष है ये उसने महाराज कहीं भी नहीं है, उसने भी यही बात लिखी है। तो मैंने उत्तर देते हुए ये लिखा, तो मैंने साथ ये लिखा कि कृष्ण महाराज पर तो आपको दोष नजर आगे वो आपने देखे, अपने घर में ईसाइयों के भी कोई दोष बताते, बाइबल का मैंने प्रमाण दिया। अच्छा। तो बाइबल में कहानी आती है कि क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को कहा वो गदी जो है वो ले आओ, वो पूछे कोई उसका मालिक के क्यों कहाँ ले जा रहे हो, तो कहो खुदावंद ने कहा है, हमारे गुरु ने कहा है। उर्दू में ईसा को पैगंबर बोलने की बजाय खुदावंद ईसा कहते हैं, उसने कहा और वो उसने बुलाया है, और खुदावंद का समाज भी होता है। तो कोई पूछे तो आप ये बात कहना, तो मतलब गदी भी चुराई गई, गदी का बच्चा भी चुराया गया, ये ईसा पर दोष है, बाइबल में ही आता है। तो मैंने कहा मैक्स मुलर ने उस दोष को तो नाम खाया और इसको झट से बोले लिया। इसी प्रकार से मैंने कहा
कि उस नक्शमुल ने दोष लगाते हुए जैसे इसने आपत्तिजनक क्या क्या था उसने अपनी किताब में ऋषि ज्ञानंद की प्रशंसा की, साथ ये भी लिखा कि भारत में जो बायोग्राफी होती है वो विश्वसनीय नहीं होती। ऋषि ज्ञानंद ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी ब्रीफली लिखी है, ये जेन्युइन नहीं है, अर्थात ये जाल साधिया जूता विशल नेवर है। वे ऑथेंटिक बायोग्राफी ऑफ स्वामी ज्ञान कभी भी हम ऋषि ज्ञानंद का प्रामाणिक जीवन चरित्र नहीं पा सकेंगे, ये ऋषि ज्ञानंद के लिए लिखा। भारत में वो कहते हैं फिक्शन और बायोग्राफी मिक्स होते हैं, कल्पना झूठ और मिला के, तो वो इतिहास नहीं होता। भारत में जो भी बायोग्राफी लिखी जाती है, इसका मतलब हम शिवाजी की बायोग्राफी लिखें, महाराणा प्रताप की बायोग्राफी लिखें, लोकमान्य तिलक की लिखें, सुभाष चंद्र बोस की लिखें, भारत में तो कोई भी विश्वास वाली नहीं। तो मैंने कहा आपके जो बाइबल में ईसा का बाइबल जो है वो एक पुस्तक का नाम नहीं, बाइबल में कई अंजील है, और जैसे उसकी मैथ्यू की है, जैसे उसकी जॉन की है, ऐसे कई जेनेसिस का किताब है, तो बाइबल में कई मिलकर होती हैं। तो उसमें ईसा की जो मृत्यु होती है उसमें चार अंजीलों में उसका वर्णन है, ईसा के शिष्यों ने वर्णन किया ईसा की डेथ कैसे, चारों ही आपस में नहीं मिलती, अलग 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 है। तो मैंने कहा ये यूरोप के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने उस पर किताबें लिखी हैं, सेल्फ कंट्रडिक्शन गॉस्पल अंजील की परस्पर विरोधी बातें, सेल्फ कंट्रडिक्शन, ये पुस्तक अमेरिका से छपी, भारत में भी कई भाषाओं ने उसका अनुवाद किया। तो मैंने कहा उसमें आता है कि ईसा के शिष्यों ने ये धोखा दिया और ईसा को फांसी पर चढ़ना पड़ा, ईसा के शिष्य जो हैं उन्होंने बिट्रे किया। तो ईसा ने जो ऋषि ज्ञानंद पर तो प्रशंसा करते हुए जोश लगा दी, उसको बाइबल का क्यों नहीं याद आया अपने घर पर, वो केवल दिन रात दिन जो था हिंदुओं को डिमोरलाइज करने के लिए, उनको मिसगाइड करने के लिए, अपने धर्म से घृणा जलाने के लिए सबको ये किया। तो मैंने जहां उसकी एक एक बात का उत्तर लिया वहां साथ उसके अपनी परस्पर विरोधी बातों को और उनके धर्म ग्रंथों को उसने यूरोप की एक बात जो है या ईसाइयों के अंदर जो आपत्तिजनक है, जैसे मैंने कहा बाइबल में आता है कि परमात्मा ने पहले दिन सृष्टि जो बनाई तो ये बनाया, फिर दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन भिल का, चौथे दिन परमात्मा ने सूर्य बनाया। तो ऋषि ज्ञानंद दुनिया का पहला फिलोसफर है जिसने ये उस पर उसका समीक्षा करते हुए उसकी वैल्यूएशन करते हुए उस पर विचार करते ये लिखा कि जब सूर्य चौथे दिन बना तो पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन का कैसे पता लगा, दिन और रात का तो सूर्य से पता लगता है। इसका आज तक किसी ईसाई ने जवाब नहीं दिया। तो मैक्समुलर जो इतना अपने आप को पाठ्यक्रम बोलता है इतना बड़ा, वो ऋषि ज्ञानंद के प्रश्न का तो नाम उत्तर दिया। फिर संसार का आज तक का नियम है कि महिला से पुरुष की उत्पत्ति होती है, संसार के जितने मनुष्य पैदा हुए माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया। लेकिन बाइबल में ये आता है कि एडम पहले बनाया गया, एडम का अल्लाह ने ऑपरेशन किया और उसकी एक पसली निकाल के तो हवा बनाई, ईव बनाई थी। तो ऋषि ज्ञानंद ने प्रश्न उठाया अगर एक पसली से बनाई थी तो महिला की चाहिए पसली होनी चाहिए, और मनुष्य की रिब्स देख लो जितनी उतनी महिला की है, अगर उसके फेफड़े में इधर इतने हैं इतनी हड्डियां हैं, उसके यहाँ को नहीं ऐसी है, उसके घुटना ऐसा, तो महिला का भी ऐसा है। तो आज तक किसी ईसाई ने ऋषि ज्ञानंद के इस इन प्रश्नों का ये जो शंकाएं आज तक उत्तर नहीं दी, मैक्समुलर ने भी नहीं दिया। तो मैंने कहा किसी तरह से जितनी बातें ऋषि ज्ञानंद ने उठाई, अच्छा एक ये कहा जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो बाइबल के शुरू में जेनेसिस के चैप्टर में पहली दूसरी जो वर्ष है आयत जिसको बोलते हैं उसने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले बिफोर द क्रिएशन क्या था, गंदे वाल
एक परमात्मा था और परमात्मा का आत्मा पानियों पर तैरता था जी, ये उसमें लिखा जो और दुनिया में कुछ भी नहीं था, परमात्मा के स्वाये कुछ भी नहीं था। तो ऋषि ज्ञान ने प्रश्न उठाया, जब परमात्मा के स्वाये दुनिया में और कुछ नहीं था तो उसका आत्मा जो पानियों पर तैर रहा था वो पानी कहाँ से आ रहा है? और इसका मतलब है कि परमात्मा से पहले पानी था। तो जो उस पानी के ऊपर तैरता था जी। और फिर पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है जी, जी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही उससे पैसे थे। इसका प्रश्न क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा कई प्रश्न निकाल के दिए कि इनका ऋषि ज्ञान ने प्रश्न उठाए सबसे पहले, लेकिन उसने आज तक जवाब नहीं दिया। तो यहाँ फिर यूरोप में आज ये प्रश्न पैदा हो गया अमेरिका में कि महिला पहले बनी थी कि पुरुष पहले बना था। तो सृष्टि का नियम तो ये है कि वैदिक सिद्धांत दिया ऋषि ज्ञान के, सृष्टि की उत्पत्ति के समय अनेक स्त्रियां अनेक पुरुष पैदा हुए, वो धरती से हुए, परमात्मा का नियम है। फिर आगे सृष्टि चल पड़ गया, सांचे तैयार हो गए तो सांचे से आगे चीजें बनती जाती हैं। तो आगे मनुष्य की अगर बच्चों को पैदा करता परमात्मा तो उनको पालता कौन, बूढ़े पैदा होते तो उनकी सेवा कौन करता? इसलिए परमात्मा ने जवान पैदा किए। डॉक्टर क्लार्क नाम के अंग्रेज साइंटिस्ट यूरोपियन साइंटिस्ट ने कहा वो चल भी सकते थे दौड़ भी सकते थे जब मनुष्य पहले शुरू से पैदा हो। तो मतलब उसमें ये कि पहले फिर आगे स्त्री और पुरुष से संयोग से सृष्टि चलती है, लेकिन माँ की कोख में पहले बच्चा पलता है, लेकिन वहां आता है कि एडम से ही पैदा हुई तो यूरोप में अब उस पर आपत्ति होती है। तो मैंने कहा ऋषि आनंद इस प्रश्न का इस शंका का मैक्समूल इतना ही था तो इसका उत्तर देता ना कि ये बाइबल में जो है यार कि पुरुष से महिला पैदा हुई ये उनका नियम कैसे हो, उसको पिए गया उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इसी में आचार्य जी जो हम एक प्रश्न पूछने वाले थे उसमें आपका उत्तर आ गया है। हमारा प्रश्न था कि हिंदू समाज को क्यों मैक्समूलर को जाना चाहिए, तो आपने इसका एक बहुत ही विस्तृत वर्णन कर ही दिया है। अच्छा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस पुस्तक को लिखने से पहले लगभग कितनी पुस्तकों का, कितने समय के अध्ययन के बाद आपने इस पुस्तक का जोड़ा है कि मैं सिक्स सेवेंथ क्लास में पढ़ता था जी, और हमारे एक टीचर था पहले वो ईसाइयों का स्कूल था, वो ईसाई बनाने के लिए हर वक्त मिशन स्कूल था। अच्छा। वो क्रिश्चियन बनाने के लिए रोज बाइबल पढ़ाते थे जी, और हमारे आर्य समाज बन चुका था। हाँ। इसलिए हम पर हमें आर्य समाज के संस्कार घर से मिले, हमारे पर कोई असर बचे रहे। हाँ, बचे रहे। फिर आगे गए एक स्कूल के अंदर ये एमडिया कम्युनिटी जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में आगे आगे रहे, जिनको अब पाकिस्तान में उन्होंने काफिर घोषित कर दिया जी। वो एक मास्टर था, वो हिंदू सिख लड़कों को मुसलमान बनाने के लिए लगा रहता था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे उन दिनों ईसाई मत इस्लाम को पढ़ने का रुचि पैदा हुई जी। तो मैं बहुत छोटी आयु में फिर दसवीं के बाद तो विशेष रूप से तो मैंने देश विदेश के क्रिश्चियनिटी पर इस्लाम पर बहुत लेखकों की पुस्तकें पढ़ी, खूब पढ़ी। इतनी कई ऐसी मुसलमानों ने भी नहीं देखी है पढ़ी वो मेरे पास, इसलिए ये कि मेरे 70-75 साल की स्टडी का निचोड़ है जिसमें मैंने जगह जगह प्रमाण दिए उन पुस्तकों। आज जो हमारे समाज की रीढ़ है वो युवा है जी। तो आपका युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्योंकि युवा चाहते हैं उस चीज को? बात यह है कि युवा को के लिए बड़ा आवश्यक है कि जिन्होंने रैशनल व्यू ऑफ फिलॉसफी कि हमारे धर्म में वैदिक साहित्य में क्या क्या विशेषताएं हैं, मानव समाज का कल्याण कैसे होगा, युवाओं का उत्थान कैसे होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होगी, सबसे बड़ी बात यह है कि केवल मेंटल डेवलपमेंट ही ना हो, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो, समाज में जो ऊंच नीच का अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी का कास्टिज्म का ऐसे ऐसे सुपरस्टिशन जो है वो भी नौजवानों से निकल जाए, उसके लिए आवश्यक है कि वो जो ऐसा तर्क संगत जो वैदिक फिलॉसफी की इंटरप्रेशन करके ग्रंथ लिखे गए हैं उनका वो अध्ययन करें और अपने महापुरुषों की बायोग्राफी को भी पढ़ें। एक बात और
बड़ी आवश्यक थी वो बताना भूल गया, इसमें मैंने उठाई है। हाँ जी। वो ये है कि देखो मैंने उसमें ये भी कहा मैक्स मूलर जो है वो वेद के और वैदिक सिद्धांतों के उपनिषदों के दर्शनों के दो दोष निकालता रहा, परंतु उसको पता ही न लगा कि ऋषि ज्ञानंद ने सत्याप्रकाश के 13वें संगुलास में जो क्रिश्चियनिटी का विवेचन किया है उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि पहली पुस्तक जो है जेनेसिस का चैप्टर उसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा ने अदन के एडन जिसको बोलते हैं एडन के उद्यान बाग के अंदर गार्डन के अंदर एडम को पैदा किया, फिर उसमें से हवा बनाई और दोनों जो थे बाग में सैर कर रहे थे, परमात्मा सैर करने निकला तो वो नंगे थे, तो उसने देखा कि मैंने दो प्राणी पैदा किए थे वो कहाँ गए, वो ऊंची ऊंची आवाज़ें देने लगा परमात्मा, अरे तुम कहाँ हो तुम कहाँ हो, तो वो शर्म के मारे उन्होंने पत्तों से अपने आप को ढांपा क्योंकि वो नंगे थे, तो परमात्मा समझ गया कि तुम्हें तुमने ये ढांपा क्यों, तुम्हें शर्म क्यों आए, तो लगता है कि आपको मना किया था, आपको उपदेश दिया था आदेश दिया था कि आप इस बाग में सब कुछ खा सकते हो लेकिन ट्री ऑफ नॉलेज को नहीं आपने खाना, तुमने उसको टेस्ट किया इससे आपको ज्ञान हो गया क्योंकि बाइबल है ही ज्ञान विरोधी, तो तुम्हें मना किस बात से किया, सब कुछ खा सकते हो लेकिन ट्री ऑफ नॉलेज को नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो वेद वेद धातु से निकला है, वेद का अर्थ ही ज्ञान है, तो ये तो ज्ञान के शत्रु थे, तो वो खैर उनको परमात्मा ने, मैंने कहा मैक्स मूलर को कि तुम परमात्मा को वैसे तो कहते हो ओमनीशेंट, वैसे कहते हो ओमनी प्रेजेंट, और तुम्हारा परमात्मा जिनको बनाया था वो उनको ढूंढ रहा है कि वो कहाँ आवाज़ें दे रहा, और फिर वो कहता है कि स्वामी दयानंद को ये भी ना पता लगा कि कर्नल अल्काट आया है ये मेरे को धोखा दे देगा, मैं ऋषि आनंद लिखा केले के आप सारे गुण जान सकते हो, गेहूं के सारे जान सकते हो, चने के सारे जानते हो, संख्या के पायदन के भी सारे गुण दोष जान सकते हो, मनुष्य के मन में क्या है ये नहीं आप जान सकते, तो मैंने कहा वो ऋषि आनंद का जीवल पद्य लिमिटेड उसका तुम्हारा जो क्राइस्ट है तुम तो ट्रिनिटी को मानते हो कि परमात्मा गॉड होली गोस्ट और जो यो पुत्र है उसका पवित्र आत्मा ये तीनों एक ही हैं, तो मतलब तुम्हारा तो ईश क्राइस्ट जो था परमात्मा का पुत्र और परमात्मा का हिस्सा था, तो मैंने कहा ईसा को पता ही ना लगा तुम्हारे परमात्मा को नहीं पता, जिस एडम को मैंने बनाया हवा को मैंने बनाया वो कहाँ है यही ना पता लगा उसको, और उसको ये भी ना पता लगा ये कल को मुझे धोखा दे देंगे, उनको फिर स्वर्ग से निकाला गया क्योंकि उन्हें आज्ञा नहीं मानी, कहा था तुमने ट्री ऑफ नॉलेज को नहीं चखना, इस पाप के कारण उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया। तो अब जो बाइबल वहाँ से छपा है उसमें सबसे बड़ी बात एक ये आई कि बाइबल में आता है कि परमात्मा ने कहा इसके जो फल उगेंगे धरती से वो तुम खा सकते हो वही तुम्हारे लिए मीट होगा, ये बाइबल में जो इंग्लैंड से छपा है। अब जो अमेरिका से छपा है उसमें आया है कि तुम जो फल पैदा हुए हैं धरती से पेड़ों से और जो धरती से उगे यानी क्रॉप्स जो होती हैं उनको खा सकते हो, ये आपके लिए फ्रूट हैं, ये अर्थात अब वो वेजिटेरियनिज्म की ओर आए, नॉन वेजिटेरियनिज्म को मीट ईटिंग को बिल्कुल छोड़ दिया बाइबल का पाठ बदल कर। तो मैंने कहा मैक्स मूलर तो हमें बर्बाद करना चाहता था, अपने घर के अंदर इतने आ गए तो उसके अंदर और सारी बातें निकाल फिर उसको दिया। अमेरिका से एक पुस्तक छपिया उसका करनाल से हिंदी में अनुवाद हुआ है आधुनिक अमेरिका में धर्म का स्वरूप, तो जो पादरी बन रहे हैं उनके थियोलॉजिकल कॉलेज में उन नौजवानों से हाईली एजुकेटेड से पूछा क्वेश्चनेयर दिया गया, उनसे कहा गया कि आप क्या इस जीवन को फर्स्ट लाइफ मानते हो और लास्ट लाइफ मानते हो, अब फिर हमारा जन्म नहीं होगा, 80% ने उत्तर दिया ना हम मानते हैं, 80% से ऊपर वालों ने कहा हमारा ये लास्ट लाइफ नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा फिर जन्म होगा। फिर पूछा इस जन्म से पहले भी कोई जन्म था,
तो उन्होंने कहा, फिर 80-90% ने कहा नहीं, हम ये नहीं मानते कि हम कभी नहीं थे, हमारा पहले भी कोई जन्म था, तुम तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को भी मान लिया, तुम्हारा तो सारा ही बाइबल बदल गया, तुम तो ट्रांसमाइग्रेशन का को रिडिकूल करते आए थे। तो इस तरह से वो पढ़ेंगे अच्छे साहित्य को, तार्किक साहित्य को, ज्ञानवर्धक साहित्य को, प्रमाण साहित्य को, तो उनको गौरव पैदा होगा जी। और अपने बलिदानियों महापुरुषों के जीवन पढ़ेंगे तो उनको स्वाभिमान पैदा होगा जी। और शीघ्रतम आपको vedrishi.com पर भी ये पुस्तक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं। आचार्य जी ने बताया कि 150 रुपये मात्र इसका प्राइस रखा गया है, लेकिन ये पुस्तक कितनी प्रीसियस है उसके बारे में भी आचार्य जी ने आपको बताया कि किस प्रकार से जो प्री मैक्समूलर एरा था उससे लेकर के, और जो उसका लिखने का जो समय था वो, और उसके बाद में भारतीय सभ्यता के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, यहाँ के समाज के ऊपर कैसा दुष्प्रभाव उसकी लेखनी के माध्यम से पड़ा, किस प्रकार की भावना के साथ में उसने सब अनुवाद किए, क्या वो सोचता था, उसकी सोच क्या थी, विचारधारा क्या थी, वो स्वयं अपनी पत्नी को क्या लिख रहा है वो भी इस पुस्तक में दिया गया है, किस प्रकार से उसने हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए वो सभी प्रत्येक हदें पार की, जिसमें कि आज के समय में यदि कोई हो तो उसके ऊपर कोई ना कोई धारा अवश्य लग जाए। लेकिन वही मेरा प्रश्न भी था कि हिंदू समाज को यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए, इसीलिए क्योंकि हिंदू समाज अपने महापुरुषों के ऊपर जो भी लांछन लगे हैं उन सब के बारे में जान सके। और बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो यह भी कई बार कहते हैं कि आर्य समाज ने हिंदू समाज के लिए आखिर किया ही क्या, आर्य समाज ही एक ऐसे विद्वानों को पैदा करने वाला एक संस्था है जो हमारे सभी महापुरुषों, आप उनको भगवान कहें, प्रभु कहें, कुछ भी कहें, उनके ऊपर जहाँ कहीं भी देश विदेश में कोई भी लांछन लगता है तो सबसे पहले प्रत्युत्तर देने के लिए वही खड़े होते हैं, ना कि बहुत मोटे मोटे पेट करने वाले और बड़े बड़े संस्थान खोलने वाले, अपने भगवानों के नाम पर अपना पेट और घर और बार चलाने वाले वो लोग देते, जो कि कई बार संस्थाओं के नाम पर आर्य समाज को बदनाम करने का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सभी युवाओं को खासतौर पर, जैसा कि आचार्य ने संदेश भी दिया, और सभी युवा समाज को, सभी हिंदू भाइयों को, सभी आर्यजनों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। सनातन वैदिक धर्म के रक्षार्थ हमको साहित्य पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, और आचार्य जी ने बताया कि मैक्स मुलर ने जितना विध्वंस किया है उस सब का जवाब आपको इस पुस्तक में मिलेगा। आचार्य जी, आपने इतना समय दिया और हमारे सभी प्रश्नों का बहुत अच्छे तरीके से आपने उत्तर दिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके प्रेम के लिए, आपकी अभिन्नता के लिए, आपके सौजन्य के लिए, आपके स्नेह के लिए, आप मेरे पास शब्द नहीं, मैं किन शब्दों में अपना आभार प्रकट करूं। धन्यवाद का शब्द छोटा है, मेरी मनोभावनाएं वो असीम है जी। अच्छा।